मतलब लीना जब सेमीफाइनल में हारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की। उस बातचीत में पीएम ने लवलीना से मजाक में कहा कि आपका जन्म गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हुआ है, लेकिन गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे और आप पंच लगाने के लिए मशहूर हैं। चलिए लवलीना से ये जो बातचीत का हम जिक्र कर रहे हैं उसी का अंश देखिए। लवलीना बहुत बहुत बधाई हो इस ऐतिहासिक मेडल के लिए। मेरी कॉम के बाद दूसरी इंडियन वुमेन बन गई है बॉक्सर जिन्होंने मेडल जीता है। सबसे पहले देशवासियों को क्या कहेंगी? देशवासियों को तो सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सबने मेरे लिए इतना प्रे किया, पूरे देशवासियों को, सब इतना एक्साइटेड थे मेरे बाउट के लिए, सब प्रे कर रहे थे कि गोल्ड मेडल लेके आए, लेकिन मैं गोल्ड मेडल नहीं दे पाई इंडिया को, इसके लिए मैं दुखी हूँ। लेकिन हाँ, मैं मेडल दे पाई इंडिया को, तो इसके लिए मैं खुश हूँ। मैरी कॉम के बाद आप दूसरी इंडियन वुमेन बॉक्सर हैं जिन्होंने कमाल किया है, तो क्या मैरी कॉम से सीख लेकर, जब मैरी कॉम ने अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल जीता था पहला, तब आप सिर्फ 4 साल की थी, तो क्या वहां से इंस्पिरेशन आई ये बॉक्सिंग लेने की, जो आज आप उसी दौर पर पहुंचे हैं जहां वो थी? हाँ, मैं मतलब मेरी दी से बहुत इंस्पायर हुई हूँ, क्योंकि बॉक्सिंग में आने के बाद मुझे मेरी दी का पता चला कि मेरी दी तब, मतलब 2012 में ही मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया, उसी साल में मेरी दी ने मेडल लिया था ओलंपिक में। तो मेरे बॉक्सिंग में आने के बाद ही मुझे मतलब ओलंपिक का पता चला, मेरी दी का पूरा कहानी पता चला, तो हाँ, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई। हमने देखा है कि भारत ओलंपिक्स में महिलाओं का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। अभी भी जो हमारे एक आज रवि दहिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों मेडलिस्ट इस वक्त टोक्यो में हमारी महिलाएं हैं। क्या राज है वो भारतीय महिलाओं को जो दुनिया में जाकर ऐसे छा गई? हमारे मतलब अभी महिला इतना अच्छा कर रहा है, लड़की इतना अच्छा कर रहा है। पहले लड़की मतलब अभी भी लड़कियों के ऐसा है कि इंडिया में हाँ इक्वल बोलते हैं, लेकिन लड़कियों के अंदर ही ऐसे रहते हैं कि हम नहीं कर सकते। लेकिन अभी इस ओलंपिक में लड़कियों ने इतना अच्छा किया, तो मुझे लगता है कि अभी लड़कियों में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएंगे कि हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच लवलीना हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे सी न्यूज की तरफ से। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। किरण चोपड़ा बात कर रही थी लवलीना से, और लवलीना का जो शानदार प्रदर्शन रहा तो उन्होंने दिन ही लवली बना